लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी की जेर सदारत इजलास में सरगोदा में तोहीन कुरान और मुश्तद हजूम के मसीही खानदानों पर हमलों की मजम्मत की गई। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इलामिया में कहा गया है कि तोहीन कुरान और मसीही खानदानों पर हमले करने वाले अफराद को करार बाकी सजा दी जाए। इस किस्म के जराइम के फैसलों के लिए खसूसी अदालतें कायम की जाएँ। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा है कि अवाम में यह रुझान बेदार करने की ऐसी ज़रूरत है कि कानून अपने हाथ में ना लिया जाए। ऐसा करना कुरान और सुन्नत और आईने पाकिस्तान और मुत्तफिका कौमी दस्तावेज पैगाम पाकिस्तान के खिलाफ है। इलामिया के मुताबिक अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो रियासत को उसके खिलाफ फौरी इकदाम करना चाहिए।